हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन शुरू करने वाले हैं और ये फ्रिक्शन का आखिरी लेक्चर होने वाला है। इसके बाद आपको फ्रिक्शन में ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम आती है तो वो मैं एक अलग से वीडियो उस पर डाल दूंगा, ठीक है। अब बस दो लेक्चर और बचते हैं, स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, उसके बाद ये आपका फोर चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन और इंक्लाइन प्लेन से, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज मैंने यहाँ पे लिख रखा है, क्या होता है एंगल ऑफ रिपोज, जिनको मालूम है बहुत अच्छा, जिनको नहीं मालूम है थोड़ा आगे बढ़ा के देखने, आगे अच्छे सवाल कराए हैं। यहाँ पे आप देखो कि अगर मान लीजिए कि यहाँ पर आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन है और एंगल थीटा है विद द हॉरिजॉन्टल, और यहाँ पे मैंने एक ब्लॉक रख दिया मान लो मास एम का, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ब्लॉक एम का मास, ब्लॉक का मास क्या है एम। अब देखो यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मैंने मान लिया म्यू एस। अब ये ब्लॉक कुछ इस तरीके से रखा हुआ है कि ये जस्ट चलने वाला है, समझ में आ रहा है, ये जस्ट चलने वाला है, ब्लॉक जस्ट चलने वाला है। अच्छा, अगर ये जस्ट चलने वाला है तो इसके ऊपर कौन सा फ्रिक्शन लगेगा, अगर ये जस्ट चलने वाला है तो इसके ऊपर लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज म्यू एस एन, है ना, वही तो लगेगा। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमारे पास इस डायरेक्शन में क्या आ गया, mg sin थीटा, इस डायरेक्शन में हमारे पास mg sin थीटा आया, ठीक है। पहले बता चुका हूं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन sin थीटा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन cos थीटा, mg cos थीटा। इस डायरेक्शन में हमारा क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा क्या आ गया, नॉर्मल रिएक्शन आ गया। अच्छा, पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, इस पे पीछे की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा फ्रिक्शन, दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन, और लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू मैं यहां लिखने दे रहा हूं म्यू एस एम जी कॉस थीटा। म्यू एस एन होती है, पहले ही बता चुका हूं, एन की जगह पे मैंने एम जी कॉस थीटा रख दिया क्योंकि एन और एम जी कॉस थीटा बराबर है और कोई फोर्स ही नहीं है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, देखो अगर ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है तो मैं कंडीशन क्या बनाऊंगा, मैं कंडीशन बना सकता हूं mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा। mg से mg कट जाएगा, sin थीटा अपॉन cos थीटा कितना आ जाएगा, tan थीटा, व्हिच विल बी इक्वल टू म्यू एस। तो यहां पे थीटा जो है वो कितना आ जाएगा, tan इनवर्स म्यू एस। ये जो थीटा एंगल है जिस पे ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है, इसको मैंने कहा क्या, एंगल ऑफ रिपोज, क्या कहा, एंगल ऑफ रिपोज, समझ में आया। मतलब जरा सा थोड़ा सा इसको और ऊपर मैं करूंगा, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ द इंक्लाइन प्लेन विद द हॉरिजॉन्टल मैं बढ़ाऊंगा, तुरंत क्या होगा, मास नीचे आने लगेगा, ठीक है। बस इस एंगल पे ये जस्ट चलने वाला है, इसी को हमने कहा एंगल ऑफ रिपोज। आ रही बात समझ, विजुअलाइज कर पा रहे हैं। चलिए हटा दें, इसको मिटा दें, बहुत आसान चीज थी, बहुत सिंपल चीज थी। चलिए अब मैं एक सवाल आपको दे रहा हूं, उस सवाल को आप लोग थोड़ा सा ट्राई करिएगा, ठीक है। मान लीजिए कि मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो कि मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है इस प्रकार से, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन आपको दिया गया 30 डिग्री का, यहां पे एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास 1 kg का है, जिसका मास 1 kg का है, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू मूव डाउन। अब देखो मैं क्वेश्चन में कंडीशन क्या दे रहा हूं, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट्स टू मूव डाउन, अभी अभी ताजा ताजा नीचे चलना शुरू किया है। एक कंडीशन, एक चीज आपको और दी गई है कि जो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया गया है आपको, वो दिया गया है 0.2। अभी अभी जस्ट का ताजा ताजा इसने चलना शुरू किया, ब्लॉक जस्ट स्टार्ट टू मूव डाउन, ठीक है। आपको क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर कितने सेकंड, 5 सेकंड बाद, वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक आफ्टर 5 सेकंड। क्या चीज लगाओगे यहां पे, यहां पे लगाओगे तुम v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी, क्योंकि जस्ट स्टार्ट्स टू मूव डाउन है तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम टी। लेकिन अरे ये क्या हो गया, एक्सेलरेशन तो हमें मालूम ही नहीं है, टाइम टी पता है 5 सेकंड दिया गया है, एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे। तो देखो यहां पर
अगर मैं इसके कंपोनेंट कर दूं तो इस डायरेक्शन में अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन कितना आएगा, 1g sin 30 डिग्री, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। इस डायरेक्शन में कितना आएगा, 1g cos 30 डिग्री। इधर की तरफ क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन, इधर की तरफ क्या लगेगा, फ्रिक्शन। अच्छा ये ब्लॉक नीचे जा रहा, ये ब्लॉक नीचे जा रहा तो कौन सा फोर्स डोमिनेट करेगा, ये वाला। मतलब इस फोर्स में से जब तुम इसको घटा के डिवाइड कर दोगे मास से तो तुमको नेट एक्सेलरेशन मिल जाएगा। भैया यही तो होता है, फोर्स नेट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में हो रहा है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, 1g sin 30 माइनस फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय मास। तो अब देखो यहां कैसे करोगे, 1g sin 30 डिग्री। अब फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लोगे, देखो यहां पे म्यू एक ही दिया गया है तो उसको म्यू एस भी बना सकते हो, म्यू के बना सकते हो। यहां पे ब्लॉक चल रहा है, अगर म्यू एस दिया होता या म्यू के दिया होता तो हम कौन सा यूज करते हैं, म्यू के, क्योंकि ब्लॉक चल रहा है रेस्ट पे नहीं है। अगर रेस्ट पे होता ब्लॉक तो हम म्यू एस यूज करते, क्योंकि यहां पे ब्लॉक रेस्ट पे है ही नहीं, इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, म्यू के। लेकिन क्योंकि यहां पे म्यू एस म्यू के, म्यू के ही बराबर दिया गया है तो कोई झंझट वाली बात नहीं, म्यू म्यू लेके सॉल्व कर दो। 1g sin 30 माइनस क्या हो जाएगा, म्यू mg cos 30, दैट इज 0.2 इंटू 1 इंटू जी इंटू कॉस 30 डिवाइडेड बाय मास 1 kg। ये हमको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। सॉल्व करिए इसको, देखो g को 10 मान लिया करो, अगर स्पेसिफिकली क्वेश्चन में ना मेंशन हो कि स्मॉल g, टेक स्मॉल g इज इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, स्मॉल g को 10 मान के सॉल्व करो। देखो मैं भी कर रहा हूं, 10 sin 30 कितना है, हाफ, 0.2 into 10, 2 into cos 30 कितना है, √3/2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन, यहां पे 5 माइनस √3 आ जाएगा। रूट थ्री की वैल्यू जब तुम 1.717 लेके सॉल्व करोगे तो यहां पे कितना आएगा, जरा सॉल्व करो बताओ, यहां पे आ जाएगा तुम्हारे पास 3.278 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। जब तुम्हारे पास ये एक्सेलरेशन आ गया तो इधर आओ, यहां पे यही एक्सेलरेशन सब्स्टिट्यूट करो, 3.278 इंटू 5 सेकेंड्स, क्या आंसर आएगा बता दो। ठीक है, आ गई बात समझ, कितना आसान क्वेश्चन था। तो ये हो गया तुम्हारे पास 16.35 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आएगा, सॉल्व करके देखिए। ओके चलिए हटा दें इसको, मिटा दें। ठीक है मैं मिटा रहा हूं इसको। अच्छा मान लो कि मेरे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, और यहां पे मैंने रखा 102 केजी का मास। और ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वही 30 डिग्री का है। इस 102 केजी के मास को रोकने के लिए मुझे जो मिनिमम फोर्स लगाना पड़ा वो लगाना पड़ा एफ। आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया गया है 0.4 एंड कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन आपको दिया गया है 0.3। हमेशा कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन से अधिक ही होता है। इस ब्लॉक को मैंने रोक रखा, ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है, मैंने मिनिमम फोर्स एफ लगा करके इसको यहां पर रोक रखा। आपसे पूछा गया है कि ये एफ कितना होगा, बोलो भाई बताओ, जल्दी बताओ, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिए। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करिए, खुद से ट्राई करिए। तो देखो इस डायरेक्शन में कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस डायरेक्शन में वेट का साइन कंपोनेंट mg sin θ, और इधर की तरफ कौन सा लग रहा होगा, फ्रिक्शन। पक्का? ठीक है, तो देखो इस डायरेक्शन में mg sin θ और इस डायरेक्शन में म्यू mg cos θ,
तो मैं क्या लिख दूंगा, कैपिटल एफ प्लस न्यू एम जी कॉस थीटा विल बी इक्वल टू एम जी साइन थीटा। हाँ कि ना बोलो, थोड़ा सा विजुअलाइज करो, इस डायरेक्शन में साइन थीटा, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, म्यू एम जी कॉस थीटा, इस डायरेक्शन में म्यू एम जी कॉस थीटा लग रहा होगा, तो कैपिटल एफ प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी साइन थीटा। पक्का? अच्छा यहां पे म्यू कौन सा यूज करोगे, के एस म्यू एस की म्यू के, बोलो। अरे भैया ये ब्लॉक चल छोड़ रहा है, जो म्यू के यूज कर लोगे तो रेस्ट पे है ना, इस पे लगने वाला फ्रिक्शन कौन सा है, कौन सा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो यहां पे म्यू एस, ठीक है। चलिए अच्छा यहां पे कैपिटल एफ हमें निकालना है, म्यू एस आपको दिया है 0.4, मास आपको दिया है 102 केजी, स्मॉल जी आपको दिया है 10, कॉस 30 हो जाएगा रूट 3/2 इज इक्वल टू एम 102 केजी, स्मॉल जी आपको दिया है 10, साइन 30 मतलब हाफ, क्या आ जाएगा कैपिटल एफ बता दो। अब तो कुछ नहीं करना है ना, अब तो कुछ नहीं करना, 2 5s are 10, 2 1s are 2, ये हो जाएगा 510, कितना हो जाएगा 510। इसके बाद में ये हो जाएगा आपके पास 4 4 2 2 4 102 into 2 आप करोगे तो कितना आएगा, जब आप 102 into 2 करोगे 204, सही है, 0.4 into 10 हो गया 4, 2 से 4 को काट दिया तो कितना आ गया 2, और 102 गुणे 2 204, तो यहां पे हमारे पास जो वैल्यू आएगी, एक्चुअली मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, 510 माइनस 204 रूट 3, ठीक है, सॉल्व कर दीजिए भाई इसको, ओके सॉल्व करिए इसको, सॉल्व करके आप आंसर कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, इसको सॉल्व करिए और आंसर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, ठीक है। चलिए मिटा दें इसको, मिटा दें, अब कोई एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं फटाफट, एक अच्छा क्वेश्चन कर लेते हैं जो आईआईटी में पूछा गया, कई एग्जाम्स में आया हुआ है, जो आईआईटी में भी पूछा गया है और कई एग्जाम्स में आया हुआ है। तो देखिए यहां पे मेरे पास एक क्वेश्चन है और आप लोग अपने तरीके से भी सवालों की प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है, अगर आप लोग खुद सवालों की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ भी हो नहीं सकता है। कोई एक किताब उठाइए, सवालों की प्रैक्टिस करिए, जो सवाल फंसे कमेंट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाके देखिएगा, एक ईमेल लिंक दिया गया है, उस ईमेल लिंक पे उस सवाल को भेजिए फोटो के साथ, और जैसे ही मुझे टाइम मिलता है 1-2 दिन के अंदर मैं तुरंत उसका आपको उत्तर दूंगा, आंसर दूंगा, ठीक है। तो उस ईमेल लिंक पे जरूर भेजिए अपने डाउट्स, अपने सवाल, ठीक है, क्योंकि तो आप खुद से अगर फिजिक्स नहीं लगाएंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, ये 45 डिग्री का है, इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, ठीक है, और ये इंक्लाइन प्लेन हमको दिया गया है कि ये इंक्लाइन प्लेन कैसा है, रफ है, ठीक है, ये इंक्लाइन प्लेन रफ है। इसी तरीके का दूसरा एक इंक्लाइन प्लेन दिया गया हमको, बिल्कुल यही है, इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, बट ये स्मूथ है, ये रफ है, ये स्मूथ है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू दिया गया है, ठीक है। यहां से मैंने एक ब्लॉक को ऊपर से छोड़ा, ये डिस्टेंस अगर मैं d मान लूं, ये जो डिस्टेंस है इसको मैं d मान लूं, ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको d मान लेता हूं, इस डिस्टेंस को अगर मैं d मान लेता हूं, तो बताओ यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा, सवाल में दिया हुआ है आपको कि वो टाइम t है, यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा वो टाइम
50 है, लेकिन जब इस इंक्लाइंड प्लेन जो कि स्मूथ है उससे मैंने इस ब्लॉक को छोड़ा, तो यहां से यहां आने में जो टाइम लगा वो था टी बाय टू, डिस्टेंस वही है डी, ये जो डिस्टेंस और ये जो डिस्टेंस है सेम है डी। अब बताना है आपको कि म्यू कितना होगा, अब आपको क्या बताना है कि म्यू कितना होगा, अब आपको क्या बताना है कि म्यू कितना होगा। अच्छा एक चीज आपको तो मालूम होगी, अगर इफ अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट तो एस इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो t की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी, 2s by a into root, 2s by a root is equal to t। इससे कुछ पता चल रहा है क्या? अच्छा पहले वाले केस को देखिए, पहले वाले केस में हमारी क्वेश्चन क्या बनेगी, t is equal to root 2d upon mg sin theta, mg नहीं लिखेंगे g sin theta क्योंकि acceleration है, तो मास से जब डिवाइड कर देंगे तो केवल g sin theta minus mu g cos theta आएगा, ठीक है। दूसरे वाले केस में क्योंकि ये ब्लॉक, ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये स्मूथ है, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2d अपॉन g sin theta, पीछे की तरफ तो कोई फोर्स लग नहीं रहा। अच्छा t की जगह पे क्या मैं इसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, t की जगह पे मैं इसको सब्सटीट्यूट कर लूं, अच्छा मैं फिगर मिटा रहा हूं, ठीक है हटा रहा हूं फिगर ताकि भरपूर स्पेस मिल जाए, कोई दिक्कत ना हो, ये t है, t और t बाय टू। अब देखो t की जगह, बहुत ध्यान से, t की जगह पे इसको सब्सटीट्यूट कर सकता हूं, क्या आ जाएगा बोलो, t की जगह पे जब मैंने इसको सब्सटीट्यूट किया तो यहां पे आएगा मेरे पास रूट टू डी अपॉन जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और यहां पे t बाय टू है तो इसकी वजह से यहां पे टू आ गया, ये किसके बराबर होगा, रूट टू डी अपॉन जी साइन थीटा के, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, जब दोनों तरफ हम स्क्वायर कर लेंगे तो यहां पे 2d से 2d तो मर जाएगा, आएगा क्या, एक बटे चार जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा इज इक्वल टू वन बाय जी साइन थीटा, आ रही बात समझ, यहां पर ये चीज कुछ समझ में आ रहा है, मैं क्या कर रहा हूं, देखो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने यहां पे t बाय टू की जगह पे ये t की वैल्यू जो ये t था यहां से उठा के मैंने रख दी, उसके बाद मैंने क्या किया कि स्क्वायर कर दिया दोनों साइड पे, तो जब दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूंगा तो 2d 2d कट जाएगा और ये इसका स्क्वायर 1 बाय 4, तो ये होगा 4 g sin थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा। अब जरा इसको इधर भेज देते हैं, g sin थीटा इज इक्वल टू 4 g sin थीटा माइनस 4 म्यू जी कॉस थीटा, अब तो बस सिंपल एलजेब्रिक इक्वेशंस बन रही है, हमें म्यू निकालना है, 4g sin theta minus g sin theta will be equal to 3g sin theta, that will be equal to 4 mu g cos theta, ठीक है। अब देखो g से g मर जाएगा हमारे पास, g से g हमारे पास मर जाएगा, जब g से g मर जाएगा तो sin theta upon cos theta क्या हो जाएगा, tan theta, ठीक है, तो 4 by 3 mu will be equal to sin theta upon cos theta कितना आ जाएगा, tan theta, ठीक है। पक्का समझ में आ रहा है कैसे क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है, अच्छा यहां पे mu की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 tan theta upon 4, 3 tan theta upon 4, ठीक है। तो यहां पे देखिए शुरुआत से एक बार फिर से देख लीजिए, शुरुआत से एक बार फिर से देख लीजिए मैंने किया क्या है, यहां पे ये t टाइम था, मैंने इस तरीके से इसको लिखा, इसको मैंने इस तरीके से लिखा, t by 2 2d upon g sin theta, t की जगह पे मैंने क्या रख दिया, t की जगह पे मैंने ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो यहां पे मैंने ये टर्म सब्स्टिट्यूट कर दिया और यहां पे
यहाँ पे रूट टू डी अपॉन जी साइन थीटा इसी के बराबर। अच्छा जब मैंने इसको काटा और यहाँ पे एक बटे चार जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा हो गया, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया कि इसको मैं इधर ले गया, इसको मैं इधर ले गया, इधर थ्री जी साइन थीटा फोर म्यू जी कॉस थीटा, जी से जी मर गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो गया टेन थीटा विच विल बी इक्वल टू फोर बाय थ्री म्यू, म्यू इज इक्वल टू थ्री टेन थीटा अपॉन फोर। ओके ठीक है। तो यहां पे आज हमारा ये फ्रिक्शन का जो लेक्चर है वो खत्म होता है। अब कल हम स्यूडो फोर्स आपके लिए लेके आएंगे, स्यूडो फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, और इसको हम खत्म करेंगे, ठीक है। चलिए पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।